तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को ईद मुबारक। और बस इस ईद में है ना, सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई, वो है सलमान खान मिस्टर भाईजान की फिल्म का। सीरियसली मैं हर साल आती थी, कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती थी, कुछ थोड़ी सी कम अच्छी होती थी, लेकिन फिल्में ज़रूर आती थी उनकी। तो इस बार थोड़ी सी कमी रह गई, तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर से आ जाएगी। और भाई साहब, इस गेम प्ले की बात करूँ तो कतई तबाही है, सीरियसली बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से बोल रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे ऐसा कोई भी गेम प्ले नहीं आया, मतलब 18 किल के भी गेम प्ले आए हैं, 17 किल के भी गेम प्ले आए हैं, लेकिन इस तरह की तबाही आज तक नहीं आई है मेरे चैनल पे, तो फर्स्ट टाइम है। और ईद के मौके पर भाई साहब कतई जहर, सीरियसली बोलता हूँ, एक स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, कतई तबाही है। तो बिना बकवास के ना शुरू करते हैं गेम प्ले को। और मैं उतर चुका हूँ मिल्टा पावर के फैक्ट्री एरिया में, और भाई साहब मैं सोचता हूँ कि हॉट ड्रॉप करूंगा, मतलब यहाँ पे लॉन्डी आएंगे ही आएंगे, लेकिन हॉट तो छोड़ो भाई साहब, कोल्ड ड्रॉप भी नहीं होता, मतलब एक दो लॉन्डे तक नहीं आते भाई साहब, एक दो लॉन्डे क्या, मतलब बॉट तक नहीं आता स्टार्टिंग में। तो वो तो बाद में, मैं जब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तब भाई साहब बॉट आते हैं, एक तो पहले उसको निपटाते हैं, उसके बाद मैं मिल्टा पावर जाता हूँ, देखता हूँ उधर लॉन्डे हैं कि नहीं। और फिर मैं ये गाड़ी उठाता हूँ और भाई साहब मिल्टा पावर जाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उधर भी देख लेता हूँ एक बार कि कोई लौंडा उधर भी उतरा है कि नहीं उतरा है, कि ऐसे ही फालतू में, मतलब मैं गेम खेले जा रहा हूँ, मतलब किल विल मिलेगा या नहीं मिलेगा चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन रस्ते में भाई साहब भगते हुए एक लौंडा दिख जाता है मुझे, तो मैं गाड़ी नहीं रोकता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है पहली बार में कि बॉट है, मैं चढ़ा दूंगा उसके ऊपर गाड़ी। लेकिन भाई साहब तभी दूसरा लौंडा मेरे ऊपर फायर करता है, तो मैं समझ जाता हूँ जान खतरे में, भग लो यहाँ से। तो किसी तरीके से जाता हूँ इधर से घूम के, मतलब वहाँ पर नहीं रोकता हूँ गाड़ी, एकदम आराम से जाता हूँ, कवर लेता हूँ, जहाँ लौंडे पहुँचेंगे वहाँ तो मतलब आराम से मैं कवर लेके उसके बाद देखो कैसे पेलम पेलाई खेलते हैं। और एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, क्योंकि भाई साहब के खोपड़े पे कोई टोपा ऊपर नहीं था, मतलब हेलमेट वेलमेट नहीं था सर के ऊपर, एक ही बुलेट में नॉक हो जाता है लौंडा। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि दूसरा लौंडा उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा अभी तक, तो मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ उसको। और इसको जैसे ही फिनिश करता हूँ ना, वहाँ पे धुआं धुआं उठने लगता है, तब मेरे को समझ में आता है, अच्छा तो अब तक धुआं क्यों नहीं हुआ था वहाँ पे, क्योंकि लौंडे ने ना धुआं वाला समझ के, स्मोक समझ के ना दो नेड फेंक दिया था। वो तो भला करो कि अपने पार्टनर के ऊपर नेड नहीं किया था, नहीं तो मेरा किल चला जाता भाई साहब, सीरियसली मैं उसका पार्टनर तो ठिलना ही था उसको, लेकिन किल मेरा लेके चला जाता लौंडा। लेकिन भाई साहब ने बाद में स्मोक फेंका, और मैं बोलता हूँ रश करेंगे उसके बीच में, और स्मोक में पहुँचते के साथ मैं नेड फेंक देता हूँ स्मोक के बीच में, और आपको भी पता है मुझे भी पता है उस नेड से कुछ नहीं होने वाला, मतलब इतना ज़्यादा सस्ता नेड कौन करता है यार, मुझे नहीं पता और भी कोई करता है क्या इतना सस्ता, मतलब कहीं भी फेंक दो फटता ही नहीं है कोई, बहुत सैड स्टोरी है यार। और ये लौंडा उछल कूद कर रहा है भाई साहब, मतलब इस धुएं से उस धुएं, उस धुएं से उस पत्थर, उस पत्थर से उस पत्थर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कूद ले, जितना कूदना है इधर उधर भगना, भग ले, मतलब एक जगह खड़ा होगा तभी मारूंगा मैं सोच के रखा, तू कूद यार, मैं मतलब आराम से चिल मारा हूं, देख रहा हूं तेरे को कि क्या क्या करना चाहता है तू, और देखो उसके बाद क्या करता हूं मैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब तुमको सांप ही बन के मरना था तो भाई साहब इतना उधम क्यों मचाए, मतलब इधर कूदा उधर कूदा कूदा फांदी करके, मतलब कतई हनुमान बनने की कोशिश कर रहे थे भाई साहब, लेकिन आराम से मारे जाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से अपनी तीन पहिया उठा के भाई साहब निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लौंडे के नाम पर यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है यार, मतलब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है लौंडे। और मैं पुचिंकी की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि और भी जगह मैंने देखे कहीं पर लौंडा मुझे मिला नहीं, तो मैं एक गाड़ी उठाता हूँ और भाई साहब पुचिंकी की तरफ सीधा निकलता हूँ। लेकिन पुचिंकी पहुँचने से पहले ही कुछ उधम मच रही है राइट साइड में, तो भाई साहब यहाँ पर गाड़ी रोकेंगे और यहां पे जो तबाही होने वाली है ना, कसम से मजा आ जाएगा, सीरियसली बोलता हूं, एकदम मतलब तैयार हो जाओ। और रास्ते से आते आते एक बॉट को नॉक करता हूँ, और जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ वैसे ही हमला हो जाता है हमारे ऊपर, तो उसको तो मैं आसानी से मार देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जलवे चल रहे हैं, मतलब गोलियाँ चल रही है, तो पता करते हैं कौन लौंडा है, कहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं, देखते हैं आगे।
और ये जो दो भाई साहब थे ना जिनको मैंने अभी मारा, वो दोनों भाई साहब मतलब 20 सड़क पे लेट के सारे मतलब उधर के जितने लौंडे होते हैं ना सारे की पेटियां बना दिए भाई साहब। सीरियसली बोलता हूँ, मतलब मैं हॉट ड्रॉप करके आया, बेवकूफ हूँ, पागल हूँ मैं, मतलब उतना दूर उतरा मैं, एकदम लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सारे बंदे इधर उतरे हुए ये छोटे से कबाड़ उबाड़ में, और इधर ये लौंडा सारे पेटियां। अभी आपको देखने को मिलेगा रास्ते से जब गुजरेंगे ना तो सिर्फ पेटी पे पेटी दिखेगी रोड पे, देखना अभी देखना। इसको लूट लेते हैं हम, दो चार गोलियां जो भी एमओ वो मिल जाए, ऐसे कुछ चाहिए नहीं मेरे को, मेरे पास M4 पड़ा हुआ है, AKM पड़ा हुआ है, तो यहां से मैं सिर्फ दो चार एमओ उठा लूंगा, उसके बाद मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूं। रास्ते में देखो आप कैसे पेटियां पड़ी हुई है, और इसके बाद भाई साहब एक गाड़ी दिख जाती है, तो मैं सोचता हूं गाड़ी मुझ पर रश करेगी, तो मैं रोक देता हूं फटाफट गाड़ी, और उसके बाद भाई साहब गाड़ी आती ही नहीं मेरी तरफ। मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम्हारे पास दो लौंडे, तुम दो लौंडे हो, तुम मुझ पर रश करोगे ना, मैं अकेला हूं, लेकिन वो रश नहीं करता, उसके बाद मेरे को ही रश करना पड़ता है उसके ऊपर, और मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ उसके पीछे रश करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसका गाड़ी भी तो मिलना चाहिए, मतलब उसकी गाड़ी मिले तब तो हम गोली चलाएं, गोली खाएं, कुछ तो हो, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं मिलते, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो जोन के अंदर चला गया होगा, तो मैं भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जोन अपने ऊपर भी नहीं है। लेकिन तभी मुझे फायर का आवाज़ सुनाई देता है राइट की तरफ से, तो मैं समझ जाता हूँ लौंडा इधर ही है, तो मैं गाड़ी उधर डायरेक्टली नहीं घुसाता हूँ, मैं वेट करता हूँ, इधर रोकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आएगा तो इधर ही जोन इधर ही बनाए तो इधर ही आएगा, तो मैं वहाँ गाड़ी रोकता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि किधर है लौंडा, और मुझे लौंडा दिख भी जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है, अब एक बंदे को तो मैं यहीं से नॉक कर देता हूँ लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, मतलब पूरी कोशिश करता हूँ मैं फिनिश करने का, लेकिन 3X है ना एग्जैक्टली बंदा नहीं दिख पाता वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहता है और फ़ोन में खेलता हूँ मैं, तो इसलिए नहीं स्पॉट कर पाता हूँ, मतलब स्पॉट तो हो रहा था लेकिन वहाँ पे गोलियां लग नहीं रही थी एग्जैक्टली पे, तो मैं समझ जाता हूँ यहां से तो होने नहीं वाला, और वो धुआं हुआ फैला चुका था, तो मैं रश करने की कोशिश करता हूँ, और मैं समझता हूँ रश करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ पे वो रिवाइव हो चुका होगा, तो मैं पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे से एंगल मिल जाता मुझे लेकिन मैं एकाद हिट ही मार पाता हूं। देखो और इसके बाद वो लोग ना पीक करते हैं भाई साहब, ना रश करने की कोशिश करते हैं, मैं तो रश नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला हूं भाई साहब, तो इसके लिए मैं छोड़ देता हूं, रेड जोन भी अपने ऊपर बन जाता है, मैं बोलता हूं बहुत बढ़िया, तो रेड जोन से मुझे मरना नहीं था क्योंकि गेम प्ले बहुत अच्छा जा रहा था, तो मैं बोलता हूं यहां से भाग जाते हैं, जोन में जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही जोन में जा रहा होता हूं एक लौंडा मुझे सामने दिख जाता है, उसको मैं गाड़ी से कुचल देता हूं। यार वो मतलब सोच रहा होगा मतलब कि किधर भागूं, जैसे वो गाड़ी देखता वो भागने की कोशिश कर रहा था कि मतलब किधर भागूं, उछलूं कूदूं क्या करूं, लेकिन लौंडा को टाइम ही नहीं मिल पाता, वो ठिल जाता है भाई साहब। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ एक ड्रॉप के पास, उधर देखो क्या कारनामा होता है। और मैं इस बॉट को बंदा समझ के मतलब कवर ओवर लेता हूँ, नेट वेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बॉट निकलता है भाई साहब, मतलब थोड़ी देर के बाद पता चलता है बॉट था, और इस बॉट को ठिलाने के बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ, यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही यहाँ से निकलता हूँ मैं दूसरे घर के पास रुकने की कोशिश भी करता हूँ, तभी एक गाड़ी आती है। उसके बाद का कारनामा देखो, और मैं बोलता हूँ गाड़ी क्यों फोड़ना चाह रहा है भाई, मतलब मेरी पेटी नहीं बना पा रहे हो तो गाड़ी की पेटी बना दो, मतलब एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं से लौंडे को एंगल तो नहीं मिल रहा, किसको गोली चला रहा है वो, लेकिन देखता हूँ तो गाड़ी की पेटी बनाई जा रही है, तो मैं बोलता हूँ आराम से ठिल जाओगे। इसको ठिलाने के बाद भाई साहब मैं देखता हूँ 11 किल हो चुके हैं, लौंडे बचे हैं 9, तो मैं समझ जाता हूँ 15 किल तो हो ही जाएंगे अपने, तो मैं बोलता हूँ लौंडे ढूंढने चलो। मैं फटाफट गाड़ी उठाता हूँ और इस स्क्वाड हाउस के पास पहुँचता हूँ, और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे बंदे हैं, और मैं इस घर क्या बोलते हैं इसको छत के नीचे गाड़ी जस्ट घुसाता हूँ और मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे फुटस्टेप आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ लौंडे हैं यहाँ पे, तो एक किल तो मिल ही जाएंगे, तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे और नेट वेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी पता है मुझे भी पता है नेट से कुछ होगा नहीं।
हाँ सीरियसली मैं यार मतलब कतई घटिया नेट करता हूँ मैं यार, सिखाओ यार कोई, मतलब मेरे नेट करने सिखाओ यार। हाँ बहुत ज़्यादा घटिया करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस लौंडे को मारने का, मतलब नेट वेट करने के बावजूद मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वो इतना फुटस्टेप देता हूँ कि लौंडा निकले कहीं स्क्वाड हाउस से बाहर तो निकले कम से कम, लेकिन लौंडा कहाँ बैठा होता है अंदर, मतलब घर के अंदर से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं समझ जाता हूँ ऐसे तो निकलने वाला है नहीं, और जोन भी अपने ऊपर आ रहा है तो भाई साहब जल्दी से जोन में भी जाना पड़ेगा। ये लौंडे का कैंपर का नहीं पता, जोन में हील बैटिंग बैटल करने लगे, पता नहीं 10 बंदा बचा हुआ उसके बावजूद भी हील बैटल करने लगेगा, कोई ठिकाना नहीं भाई साहब कैंपर लोगों का। तो मैं बोलता हूँ इसको निकालने का एक ही तरीका है, गाड़ी उठाते हैं हम यहाँ से और इसको चकमा देने के लिए मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ यहाँ पे, और मैं सोचता हूँ यहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे, आएगा तो इधर ही समझ जाएगा कि भाई साहब चला गया, तो आएगा इधर ही, देखो फिर आता भी है। और भाई साहब ऐसा जिगजैग भागते हैं भाई, गोली लगती नहीं है दो तीन के बाद, सीरियसली बोलता हूँ लौंडा बच जाता है। मैं बोलता हूँ जोन आ गया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते इस लौंडे को, ये बहुत खतरनाक लौंडा है। और फाइनली इसको मार पाता हूँ यार, कसम से बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसको मारने के बाद, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था मेरा, और 4 IQ का दिमाग जो मैंने लगाया वो काम कर गया। आप लोगों को कैसा लगा ये केला ना, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर बताना इसके बारे में। और मेरे अपोजिट में अभी बचे हैं 4 लौंडे, और चारों कहाँ पे हैं उनका लोकेशन अपने को नहीं पता है, चारों एक ही टीम के हैं, अलग अलग टीम के सिंगल बंदे हैं, अपने को वो भी नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी उठाता हूँ और उनकी लोकेशन चेक करने के लिए इधर उधर गाड़ी घुमाते रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं मिलता है भाई साहब। और फिर मैं गाड़ी रोकता हूँ यहाँ, तो मुझे समझ में आ जाता है मेरे पड़ोस वाला जो एक और झोपड़ी है उसमें भाई साहब एक बंदे हैं, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कोई ना कोई है। तो मेरे को समझ में आ जाता है इधर लौंडे हैं, और मैं बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं कि एक सांप लेटा हुआ है, तो फिर उसके बाद उसका कारनामा देखो। अब इस पर जैसे ही फायर करता हूँ ये लौंडा नॉक हो जाता है, तो मेरे को समझ में आ जाता है इसका पार्टनर उधर ही होगा, तो भाई साहब पीछे चले जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं 2-3 सेकंड वेट करता हूँ कि दूसरा लौंडा शायद थोड़ा सा पलक उलक झपका है तो मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन लौंडा सीधा रिवाइव पे लेने लगता है, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ सीधा रश कर देता हूँ। और मैं जिस हिसाब से गाड़ी निकाला था वहाँ से, मेरे को लगा था मैं उधर ही ख़त्म हो गया भाई, लेकिन किसी तरीके से बच जाता हूँ, ड्रॉप व्रॉप शॉट मार के, मतलब सांप वाँप बन के किसी तरीके से दोनों को पेल देता हूँ भाई साहब। उसके बाद मेरे को समझ में आ जाता जो दो लौंडे बचे मेरे अपोजिट में वो दोनों एक ही टीम के, क्योंकि इतना लड़ाई हो गया भाई साहब, एक गोली चूचस चा नहीं हुआ। तो मेरे को समझ में आ जाता उस घर से निकले होंगे जो घर में थे वो पहले, वो दोनों लौंडे उस घर से निकले होंगे, इस तरफ से आएंगे, तो मैं आराम से यहाँ पे लेटता हूँ, मेरे को एक लौंडा नज़र आ जाता है सांप बना हुआ, तो मैं उस पर एग्जैक्टली फायर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट उठ के यदि मैं फायर करूँगा तो दूसरा लौंडा मुझे मार देगा, तो मैं वो देखता हूं और एक नेड करने की कोशिश करता हूं, और नेड लो टॉस पे होता है, मैंने ध्यान नहीं देता हूं तो वहां पे फेंकता हूं तो आगे गिर जाता है नेड। उसके बाद मैं उधर चला जाता हूं थोड़ा सा घूम के, और मैं एक मॉली डालता हूं उसके ऊपर, मॉली भी लो टॉस पे होता है, तो मॉली मैं जानबूझ के लो टॉस पे ही फेंकता हूं। उसके बाद फिर भाई साहब दिख जाते हैं दोनों लौंडे, उसके बाद देखो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ शेयर करो यार, तुम्हारा सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर किया करो, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं या कजन्स हैं, सबके साथ, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबके साथ वीडियो को शेयर करो और धमाल मचा दो यार प्लीज़। और कॉमेंट सेक्शन में अपने बेस्ट पार्ट ज़रूर बताना कॉमेंट करके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, और डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाओ वहाँ पे फॉलो करो मेरे को, बहुत सारी बातें कर सकते हो वहाँ पे, आप मीम शेयर कर सकते हो, बहुत कुछ करने को, तो प्लीज़ जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।